सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हो? सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, फ्री फायर मैक्स आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो प्ले स्टोर में डायरेक्टली। सो कुछ चार पांच स्टेप्स है, वीडियो को एंड तक देखना, फिर आपके मोबाइल में फ्री फायर मैक्स चलेगा। एंड 2GB 3GB रैम में तो शायद से लैग कर सकता है, अगर 4GB या 4GB प्लस है तो इजीली बहुत स्मूथ चलने वाला है, तो टेंशन मत लेना यार, ठीक है। एंड 800 या 900 MB का है, सो अभी चेक कर लेना आप लोग फिर से खुद जाके, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। एंड चैनल पर जो नया सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़, एंड लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि गाइस देख लो यार अभी मतलब यूट्यूब का आप स्क्रीनशॉट देख लो 774 सब्सक्राइबर्स है। सो मैं चाहता हूँ गाइस ये वीडियो में मतलब ये वीडियो अपलोड होने के अंत तक, सो देखते गाइस 800 या तो 900 हो सकते कि नहीं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है वियतनाम VPN, ओके। एंड ये जो 7.MB का है तो इसको इंस्टॉल करना, देखना 4.2 की रेटिंग है एंड बहुत ओपी मतलब ऐप है, तो इसी को डाउनलोड करना, ध्यान से देख लो गाइस। एंड कोई और मत इंस्टॉल कर लेना फिर नहीं होगा, सो इसको डाउनलोड कर लो सिंपली। एंड उसके बाद ओपन करके दिखाता हूँ मैं क्या करना है आप लोगों को। सो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है गाइस, एंड थोड़ा सा टाइम लगता है, सो टेंशन मत लो यार अभी हो जाएगा, ओपन हो चुका है गाइस। चलो ओपन करते हैं इसको एंड अभी देख लो गाइस, ये देखो। सो बहुत ही बेसिक स्टेप्स है यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, तो थोड़ा बहुत अलाउ मांगेगा और नीचे आपको दिखा है कनेक्ट टू वियतनाम VPN, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखो मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत अलाउ मतलब ऐसे पूछता है ये परमिशन, उसको अलाउ कर लेना सबको, ओके ऑलवेज अलाउ करके कर लेना एंड कनेक्ट हो जाएगा आपका। सो परमिशन मांगने के बाद ये कनेक्टिंग होगा ऐसे कुछ, तो एक मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये। सो ये देखो मेरा कनेक्ट हो चुका है गाइस, एंड आपको उसके बाद एक बेसिक स्टेप करना है, तो चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, ऐसे ऐप इन्फो पे जा सकते हो, उसको प्रेस करना है, जोर से क्लिक करके ऐप इन्फो पे जाना, या तो आप सेटिंग्स में जाओ जैसे मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखो गाइस। फिर नीचे आपको ऐप मैनेजर या तो ऐप्स, अलग अलग फ़ोन का अलग होता है, तो ऐप्स वाले सेक्शन पे जाना है, फिर वहाँ से आप प्ले स्टोर को फाइंड करना है, ठीक है। आपको वहाँ से मैं प्ले स्टोर मिल नहीं रहा यार, मतलब बहुत बुरी बात है यार, खुद ही के फ़ोन में मैंने पहचान नहीं पा रहा हूँ, देखो गाइस। तो तब तक आप लोग लाइक कर दो गाइस वीडियो को। सो देखो तो प्ले स्टोर मिल ही जाएगा, यही कहीं होगा गाइस, ओके अब मिल जा भाई, मिल गया। सो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है गाइस, स्टोरेज पे जाना है, उसके बाद आपको क्लियर डेटा करना है और क्लियर कैच करना है। सबसे पहले क्लियर कैच करना है, उसके बाद क्लियर डेटा कर देना गाइस, ताकि प्ले स्टोर से सब मतलब रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद आपको एक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है, एक अकाउंट बनाना है। उसके लिए आपको सिंपली जाना गाइस यहाँ पे गूगल पे, या तो ऐड अकाउंट कर सकते हो आप अपने मोबाइल के, अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, कर सकते हो हाउ टू ऐड गूगल अकाउंट, न्यू गूगल अकाउंट इन योर डिवाइस का नाम डाल लेना। सो यहाँ पर मैं ऐड अकाउंट करता हूँ गाइस, रुक जाओ मिल नहीं रहा था यार, ओके मिल गया। सो गूगल का बनाना है, तो गूगल पे क्लिक करना है हम लोगों को, ऐड अकाउंट करना है, उसके बाद तो आपको पता ही है गाइस। देखो तो ये थोड़ा सा एक सेकेंड गाइस, ब्लैक स्क्रीन हो गया। सो ये चेकिंग इन्फो आएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा 10-20 सेकेंड के लिए, सो आप टेंशन मत लेना, ये हो जाएगा। आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट होगा, तो मेरा थोड़ा सा फास्ट है, फास्ट नहीं ठीक ठाक है तो हो जाता है। एंड तब तक मैं नोटिफिकेशन क्लियर कर लेता हूँ, ओके हो चुका है, अरे हो जा भाई, ओके गाइस हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे आपको ऐड अकाउंट करना है एंड फॉर माई सेल्फ कर देना, बिजनेस नहीं फॉर माई सेल्फ करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद तो आपको आता ही है गाइस, क्या बताओ गाइस आता ही है इसके बाद तो आपको, ठीक है। एंड देखो मैंने अभी स्किप कर लिया क्योंकि ये सब तो मैं नहीं दिखा सकता ना आपको, अकाउंट बनाना तो आना ही चाहिए। सो देखो मैंने बना लिया एंड आई एग्री करके मैं बैक कर लेता हूँ, फिर आपको क्या करना है सब काट के प्ले स्टोर ओपन। सो ये देखो फिर से चेकिंग इन्फो, ओके हो चुका है। एंड अभी मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ गाइस, सो प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ, ये देखो प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो वही आपको वही अकाउंट पे जाना है जिस जो अभी आपने क्रिएट किया, तो मैंने ये वाला क्रिएट किया तो ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है यहाँ पे फ्री फायर मैक्स, सर्च करो गाइस, सर्च करो, ओके फ्री फायर मैक्स सर्च करते हो भाई, ओपी बहुत फाइनल स्टेप पे, ठीक है। ये स्टेप ध्यान से देखना। सो आपको यहाँ से देखो 0.93 MB मतलब 900 MB के आसपास है। सो ये देखो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको, सो 1GB का नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा हाई MB, थोड़ा हाई डिवाइस में काम करेगा ये। सो देख लो गाइस मेरा तो यहाँ तक ओपन हो चुका है गाइस, ठीक है। मैं थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा लेता हूँ। सो यहाँ तक हो चुका तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो कि ये पूरा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड फुली वेरीफाइड स्टेप है,
सो आपको मैंने दिखा दिया कैसे डाउनलोड करना, आप इंस्टॉल करके ऐसे ओपन कर लो गाइस एंड थोड़ा बहुत गेम प्ले देख लो यार। पिंग बहुत हाई चलने वाला है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये देखो जो मैं दिखाता हूँ गाइस, एंड पिंग बहुत गंदा हाई चलने वाला है, बहुत गंदा। सो गाइस ऊपर आप लोग देख सकते हो मतलब 800 के आसपास पिंग चल रहा है, तो मतलब बाहर का सर्वर तो चलेगा ही गाइस। सो यही स्टेप्स थे गाइस, होप सो आप लोग को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ यार चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दो एंड लाइक करना मत भूलना गाइस। बहुत ही मतलब गाइस वर्किंग ट्रिक है एंड ये लोडिंग स्क्रीन ऐसा कुछ होने वाला है आपका। सो अपडेट्स आएंगे तो चेंज हो सकता है। सो आपको गेस्ट आईडी से आपको लॉग इन नहीं करना, आपको वियतनाम सर्वर पर कनेक्ट करने के बाद आपको वो जो VPN है उससे कनेक्ट करके आपको जो अकाउंट बना था उसी पे जाके उस पर टैप करके आपको ओपन कर लेना गाइस। आज के इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।